नमस्ते चिल्ड्रन, आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है गलता लोहा। उसके राइटर हैं शेखर जोशी। शेखर जोशी जी का जन्म सन 1932 में अल्मोड़ा, जो उत्तरांचल में है, वहाँ हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, ये उनका कहानी संग्रह रहा, और एक पेड़ की याद शब्द चित्र संग्रह है। उनको जो सम्मान मिला उसमें पहल सम्मान नामक उनको सम्मान मिला। पिछले सदी का छठवां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। पिछली सदी का छठवां दशक मीन्स 60s का जो समय था वो। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियां लिखनी शुरू की। इसको युगांतकारी समय क्यों कहा है? जैसे कि उससे पहले का जो एक समय था, कहानी लिखने का जो तरीका था, उस तरह की कहानी लिखनी बंद हुई और एक नई तरह की कहानी लिखनी शुरू हुई। और देखते देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। उस पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है। मीन्स उनके जैसा स्थान और किसी का नहीं है। उनकी कहानियाँ नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। मेहनतकश और सुविधाहीन, जिनके पास सुविधा नहीं है, मेहनतकश मीन्स वही लोग, गरीब वर्ग, सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। मीन्स इन्होंने ऐसे लोगों के ऊपर, गरीब वर्ग के ऊपर कहानियाँ लिखी। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने क्या कहा कि निहायत, एकदम सहज, सरल और आडंबरहीन, मीन्स भाषा को उन्होंने बहुत दिखावटी नहीं बनाया। ऐसी भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ मीन्स समाज की वास्तविकता के बारीक नुक्तों, मीन्स बारीक चीज़ों को पकड़ते और प्रस्तुत करते। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। यदि उनका रचना संसार पढ़ें, मीन्स या उनकी कहानियाँ पढ़ें, उनका लेखन पढ़ें, तो उस समय की जो माने आम लोगों की जो विडंबनाएं थी, आम लोगों का जो कष्ट था, उसको महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा। शेखर जी की कहानियां विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी हैं, ट्रांसलेट हो चुकी हैं। उनकी कहानी, प्रसिद्ध कहानी दाज्यू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। गलता लोहा, ये जो कहानी आपके सिलेबस में है, गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक है। क्या कहा यहाँ पे? समाज में जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी। मीन्स हम लोग जानते हैं
कि हमारा जो समाज था वो जातियों में बटा हुआ था। तो उसी विभाजन पर ये कहानी टिप्पणी करती है, ये कहानी इशारा करती है, और ये कहानी ये भी बताती है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है। मीन्स उनकी उनके लेखन में बड़बोलापन बहुत कम है, मीन्स बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कही गई हैं। वास्तविक अर्थ गंभीर उतना ही अधिक है। वास्तविक अर्थ की जो गंभीरता है वो बहुत ज़्यादा है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। क्या बताया है कि किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही, मीन्स लेखक ने कहीं भी कुछ कड़वे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, कुछ कठोर बात नहीं की, बिना कठोर बात किए ही उन्होंने अपनी बात को रखा है। और बात क्या थी कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन कुछ जीवन में ऐसी परिस्थितियों से गुजरता है कि और ऐसी मनोदशा तक पहुंच जाता है कि जहां वो अपने ब्राह्मण होने का अभिमान, ऊंची जाति के होने का जो उसका अभिमान है वो भी वो भूल जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर, मीन्स समाज ने जो नियम कानून बनाए थे उनको ताक पर रखकर, मीन्स उनको न मान करके वह धनराम लोहार के आफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मीन्स वो अपना जो एक ऊंची जाति का जो अभिमान था, या ये कहें कि जो उसका ब्राह्मणत्व था उसको वो एक साइड में रख कर के उसको बिना माने वो चीज़ भूल करके और वो अपने मित्र लोहार के आफर में जाकर के बैठ जाता है और उसके साथ काम भी करता है। जबकि उस समय में ऐसा होता था कि ऊंची जाति के और नीची जाति के लोग जो मतलब ऐसा माना जाता था कि ब्राह्मण लोग ऊंची जाति के हैं, ये लोहार वगैरह नीची जाति के हैं, तो ये ऐसे जो जातिगत जो विषमता थी तो वो लोग एक साथ मिलते नहीं थे। लेकिन मोहन ने ऐसा नहीं किया, वो सब कुछ भूल करके और उसके साथ बैठ के काम भी करता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना प्रतीत होता है। मीन्स मोहन ये दिखाता है कि ये जातिगत आधार पर जो भाईचारे की बात समाज में बनाई गई है वो उचित नहीं है। सच्चा भाईचारा क्या है? मेहनत कश, मीन्स जो भी मेहनती हैं, जो भी परिश्रमी हैं, वो एक साथ मिलकर के काम करें, वही सच्चा भाईचारा है। मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो, मीन्स जो पुरानी परंपराएं थीं वो टूट करके एक नया रूप ले रही हैं। इस कहानी में यही बताया गया है। सो स्टूडेंट्स, ये यहीं तक रखते हैं इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कहानी का एक्सप्लेनेशन करेंगे। नमो शिवाय।